नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज सुबह से वसई विरार में एक पत्र काफी वायरल हो रहा है। उस पत्र में दावा किया जा रहा है, वो पत्र बताया जा रहा है कि ईडी का पत्र है, ईडी का नोटिस है, और वो नोटिस निकला है वसई विरार महानगर पालिका के पूर्व महापौर बहुजन विकास आघाड़ी नेता रूपेश यादव के खिलाफ। उसमें दावा किया जा रहा है कि रूपेश यादव और उनके तीन और साथी, कुल चार लोगों ने 780 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग किया, जिसके लिए उनको नोटिस निकला है। आने वाले 15 दिन में उनको इस नोटिस का जवाब देना है और 15 दिन में दिल्ली में हाजिर होना है। यह नोटिस जब निकला तो एक बड़ी खबर मानी जाती है, बड़ी खबर कही जाएगी। ईडी का संबंध आना, ईडी का नोटिस आना एक बड़ी खबर है। तो मैंने भी खबर बनाने के लिए इस खबर की पड़ताल करने की कोशिश की कि इस खबर की तह में जाने की जाकर फिर कुछ खबर बनाऊं। तो जब खबर बनाने के लिए तह में गया, कुछ यहाँ वहाँ कांटेक्ट करने की कोशिश की तो कहीं किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया। अंत में मैंने रुपेश यादव से डायरेक्ट बात की और उनको पूछा, तो रुपेश यादव का सीधा सीधा कहना है कि ये नोटिस फेक है और किसी के साजिश है हमें बदनाम करने की। हमें ऐसा कोई नोटिस आया नहीं है, बल्कि हम पुलिस में गुनाह दाखिल करने वाले हैं। तो रुपेश यादव ने यह जब कहा, तब कहीं ना कहीं रुपेश यादव का इस तरह से खंडन करना मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि एक तरफ नोटिस वायरल हो रहा है और दूसरी तरफ खंडन हो रही है। तब मैंने उस नोटिस को फिर गौर से देखा तो इस नोटिस में कुछ चीजें मेरे को संदेहजनक दिखाई दी और उसी का खुलासा करने में ये वीडियो बना रहा हूं। आप नोटिस में देख सकते हैं कि नोटिस में हवाला दिया हुआ है ईडी का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का, प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय का ये लेटर हेड है, उसके ऊपर नोटिस ऐसा नोटिस में दिखाई दे रहा है। नीचे जहां तारीख का सेक्शन है, वहां 28/11 की कल की तारीख है, उस तारीख के नीचे एक स्टैंप लगा हुआ है। वो स्टैंप थोड़ा संदेहजनक, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो संदेहजनक दिखाई दे रहा है, कि शायद ये स्टैंप है कहीं से कॉपी करके पेस्ट किया गया हो, एडिट किया गया हो। साथ ही साथ इस नोटिस के अंत में नीचे जब आओगे आप, तो वहां देखोगे वहां पर जिस अधिकारी के हवाले से नोटिस निकला हुआ बताया गया है उनकी पोस्ट, तो वहां लिखा हुआ है जॉइंट डायरेक्टर। जॉइंट डायरेक्टर कोई पोस्ट मेरे ख्याल से होती नहीं है, अगर होती है तो जॉइंट डायरेक्टर होती है। तो इतनी बड़ी गलती कोई कार्यालय नहीं करेगा। उधर के जो सिग्नेचर है उसमें भी कुछ संदेह प्रथम दृष्टया अपने को दिखाई दे सकता है। और सबसे बड़ा सवाल कि ये जो पत्र है, इसमें दावा किया जा रहा है कि ये दिल्ली से निकला है और दिल्ली में 15 दिनों में इनको जो चार नाम इसमें लिखे हैं उनको बुलाया गया है। तो सवाल ये है कि महाराष्ट्र में ईडी की एक ब्रांच है, मुंबई में ईडी का कार्यालय है, तब क्या नौबत आई ऐसी कि ईडी ने दिल्ली से इनको ये नोटिस निकाला। तो ये नोटिस कहीं ना कहीं आज सुबह से वायरल हो रहा है और काफी इस पर चर्चाएं भी हो रही है, लोग यहां काफी कुछ बातें हो रही है। जाहिर सी बात है, इसमें नोटिस में जिसका नाम है वो कोई आम आदमी नहीं है, वसई विरार महानगर पालिका में पूर्व महापौर के पद पर रह चुका शख्स है। तो एक तरफ पूर्व महापौर को बदनाम करने की साजिश, एक तरफ दावा किया जा रहा है कि पूर्व महापौर इस तरह की गतिविधियों में शामिल है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व महापौर ये खुद कहते हैं कि मुझे इसने जानबूझकर बदनाम किया जाने की ये साजिश है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर वाकई में ये लेटर ईडी ने लिखा हुआ है तो जो होना है वो होगा, लेकिन तब भी उसकी पुष्टि हो जाएगी तो लोगों में जो गलत फहमी पैदा हो रही है वो दूर हो जाएगी। और अगर वाकई में ये पत्र ईडी ने नहीं लिख, ईडी का नहीं है ये नोटिस, और किसी ने फेक नोटिस बनाकर सर्कुलेट किया है, तो यह मामला काफी गंभीर है। क्योंकि इस तरह से ईडी जैसे बड़े डिपार्टमेंट के लेटर हेड का इस्तेमाल किया जाना और उसके आधार पर लोगों की छवि खराब करना, यह कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है, काफी बड़ा सीरियस क्राइम है। ऐसे बड़े बड़े मामलों में न जाने क्या कुछ हो सकता है। तो यही मांग करना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच प्रशासन को करनी चाहिए और जो कोई भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त
कार्यवाही करनी चाहिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। इस खबर के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करें। हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।